इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कर पाना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है? तो इसके लिए तुम एक चीज भी कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो कि मैंने शायद तुम लोगों को पहले भी बताया था ना, अब तुम्हें पता चल गया होगा कौन से चैप्टर में मेहनत करने की तुम्हें जरूरत है, हाइड्रोकार्बन में, इक्विलिब्रियम में, थर्मो में, या फिर जो चैप्टर तुम्हें थोड़े थोड़े आते हैं पहले से उनको ज्यादा स्ट्रोंग कर लो, है ना? लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब तुम लोगों का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना मेरा बेटा, देखो इनऑर्गेनिक तुम्हारी 1 महीना तो चलेगी, है ना? पी ब्लॉक के 4 दिन, डीएनएफ ब्लॉक के 6 दिन, और 10 दिन तुम्हारे वो कितने हो गए, 10 और 6 कितना हो गया, 16, 16 और 4 20, यानी कि आने वाले 20 डेज जो होंगे तुम्हारे, वो तुम्हारा मतलब 20 लेक्चर तुम्हारे इनऑर्गेनिक में जाएंगे, ठीक है? तो वो जो 20 लेक्चर जाएंगे मोटा मोटा लगा लो 1 महीने से भी ऊपर, है ना? क्योंकि 1 मंथ में अपने को 16 लेक्चर्स मिलते हैं अगर कोई छुट्टी नहीं आ रही है तो, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको क्या करना है बेटा, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, मैं तभी सबको कहती हूँ कि क्लास में आ जाओ, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे, 17 बच्चे अभी फिलहाल बैठे हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज ट्राई करना कि जो ये 1 महीने का तुम्हें टाइम मिलेगा जिसमें तुम्हारी इनऑर्गेनिक होगी, उस टाइम पे तुम केमिस्ट्री में वो वाले चैप्टर करना जो तुम्हारे वीक है, या वो वाले चैप्टर करना जो अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, जिनको समझ पाना भी आसान है। मैं तो हमेशा देखो यही बोलती हूँ, वो वाले चैप्टर निपटा लेना जो समझने में आसान है और जो हाई वेटेज चैप्टर है। तो जो ये इनऑर्गेनिक वाला तुम्हारा स्टार्ट हो रही है ना, इनऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं जो 1 महीना चलेगा, वो 1 महीना अपना अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है? समझ आ रही है सबको? यस मैम, है, तो वो टाइम अपना खराब मत करना, ये मत सोचना अरे इनऑर्गेनिक इजी है, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। ये चिल वर्ड तुम्हारे जेई वालों पे अच्छा भी नहीं लगेगा फिलहाल के लिए, ठीक है? तो इसीलिए वो वाले टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फिजिकल में आई नो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रहता है, बहुत टाइम जाता है इसमें, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि 12th में ये 3 चैप्टर मैम ने करा दिए, बट स्टिल हमें अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, लगता है ना कि मान लो केमिकल काइनेटिक्स मैम ने करा दिया, है ना, बट फिर भी तुम्हें अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही कि मैम ना क्वेश्चंस करने की जरूरत है, और तो आप वो करना। मैम केमिकल बॉन्डिंग बहुत हाई वेटेज है, हमें थोड़ा कम आता है, तो उसको करना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो प्लीज इस तरीके से थोड़ा सा इस 1 महीने को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर तुम्हें ऑर्गेनिक से टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इनऑर्गेनिक में डालोगे, सॉरी इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में डालोगे, ठीक है? तो ये वाला टाइम है, 11th के चैप्टर स्ट्रोंग कर लो अपने केमिस्ट्री के, ठीक है मेरा बेटा? चले फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज अपना लास्ट छोटा सा टॉपिक है, एक कोलिजन थ्योरी है, उसके अलावा एक कंबाइन रिएक्शन है। पहले तो क्या होते थे ना, जो कंबाइन रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे, लाइक पैरेलल रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, वो जेई मेंस में पूछे नहीं जाते थे, बट अब पिछले 2-3 सालों से एक दो तीन इतने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एंड ये मैं आपको करा दूंगी। करवा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड अगेन प्रैक्टिस तो हम लोगों को करनी ही करनी है, समझ गए? एंड जो लास्ट मैंने डीपीपी दिया था, लास्ट डीपीपी मैंने आप लोगों को वो दिया था जो अरेनियस इक्वेशन वाला था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? यस मैम, आई होप आपने अब तक तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आज आपको मैं पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, 2023 से लेकर हैं, काफी सारे हैं, 2014 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं अलग से आपको पीडीएफ उसका आज भेज दूंगी, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आज का कुछ ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, आराम से बैठना, डोंट लीव द क्लास एंड ट्राई टू बी सुपर एक्टिव इन माई क्लास, ठीक है? चलो जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। थैंक यू सो मच, ठीक है? तो हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले मेरा बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, क्या किया था कोई मुझे बताओ। वर वी डिस्कस इन आर लास्ट क्लास? हमने कैटलिस्ट पढ़ा था और थर्मो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी। यस ट्रांजिशन, यस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखे थे, है
हाँ जी हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा था? मैम ट्रांजिशन स्टेट। यस, अपन ने कहा था जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो कि एक ही स्टेप पे हो जाती है, जिसको हम कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मतलब एक स्टेप में ही बॉन्ड बनते और टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली, उन्हीं रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं। जब आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो उसका हम नाम बदल देंगे SN2, दैट इज नाम बदलने का मतलब है उसका एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन का, या आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो उस केस में अपन ने क्या देखे थे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स देखे थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी मेरा बेटा, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, और जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। अगर मेरा अगर मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें मैंने बोला था डेल्टा एच किसके बराबर होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपने एंडोथर्मिक में भी क्या डिस्कस किया था, इसमें क्या था, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, डेल्टा एच इसमें अपना पॉजिटिव आता है, एंड डेल्टा एच इसमें भी क्या होता है, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड हुआ करता था, ठीक है जी। याद आ रही हैं चीजें, जैस्मीन आई है क्या क्लास में, जैस्मीन जैस्मीन है क्या, नहीं नहीं है क्या, अच्छा है, अरे बोला करो, मेरे को लगता हो ही नहीं क्लास में, ठीक है मेरा बेटा बोला करो, ठीक है, अच्छा ठीक है ओके। आप में से कोचिंग कितने बच्चे, मतलब कोई ट्यूशन व्यूशन जाते हो क्या, तनिष्का तनिषा का तो मुझे मालूम है, कोई और भी ऐसा बच्चा है क्या जो क्लास के टाइम पे कहीं और इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहा है, इफ नो ना मुझे ऐसे डाउन हाँ नहीं है तो प्लीज मुझे ये करो, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो मेरे सामने ही है या कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट आप लोग दिखा रहे हैं। जैस्मीन चलो ठीक है, ओके ओके। और क्या कर रहे थे हम, कैटलिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, कैटलिस्ट क्या कर रहा था हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, है ना, और क्या कर रहा था, रेट को फास्ट कर रहा था, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में हेल्प कर रहा था हमारी, यस और नो, यस मैम, अच्छा और क्या कर रहा था, अगर मैं बात करूं जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की दोनों को सेम एक्सटेंड से जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है, सेम एक्सटेंड से अगर फॉरवर्ड में जा रहा है उसको भी, एंड अगर बैकवर्ड से अगर रिवर्सिबल रिएक्शन अगर वो बी से ए में आ रहा है तो दोनों को सेम एक्सटेंड से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, दोनों को, या तुम रेट की टर्म्स में बोलोगे तो दोनों को सेम एक्सटेंड से वो बढ़ाएगा, डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है, ना ही डेल्टा एच को चेंज करता है, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को वो चेंज करता है, ठीक है मेरा बेटा, है ना, चलो ये हो गया था। उसके अलावा अपन ने क्या किया था, उसके अलावा अपन ने ये बोला था कि मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन है K1 जिसमें तुमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, तो उस केस में आरेनियस इक्वेशन ये हो जाती थी, ये है कैटलिस्ट की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी पहले फिर आगे चलूंगी, तभी रिवाइज करा रही, और ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो K2 क्या है, ये वो रेट कांस्टेंट है जब तुमने उसमें क्या डाला है, कैटलिस्ट डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, LN लेके कर सकते हो इसको, ठीक है बच्चे, yes, हो जाएगा ना, LN K1 yes, क्या हो जाएगा, LN K1 हो जाएगा A माइनस E1 बाय RT, और ये क्या हो जाएगा LN K2 A माइनस E2 बाय RT। अब दोनों को क्या करो, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड को -1 कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है जी, LN K2 बाय K1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 बाय RT आ रहा था अपना, ठीक है, ओके चलो। हाँ कन्नू बेटा, आप कौन से वाले क्लास में टेस्ट देते हो, आपके जो बैच में लिंक आता है उसमें आपको टेस्ट देना, आई गेस आपने कल वाले संडे वाले टेस्ट में पी ब्लॉक का टेस्ट दिया होगा, आवाज आ रही है कन्नू आपको मेरी, कैन यू हियर मी, इफ यस प्लीज गिव मी थम्स अप, ठीक है, अरे तुम लोग बोलते भी नहीं हो, मुझे गुस्सा हो जाता है, अच्छा ठीक है, कृष्णा आ गया क्या, चल
कृष्णा आ गया। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करें, चलो करके दिखाओ क्वेश्चन। देखो मेरा ना मेन फोकस क्वेश्चन पे ज्यादा रहता है, थ्योरी तो तुम लोग को मैं करा देती हूँ, बट थ्योरी से ना होने नहीं वाला है कुछ एक्चुअल में ना जेई में। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल जहां पे मेरे को दिखेगा ना ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं वो क्वेश्चन डाल के आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको तुम करो सोल्व। देखो पूरा चैप्टर अपना खत्म ही हो गया एक तरीके से, तो ट्राई करो अब क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, आएगा आंसर। करो बच्चों, आप 20 बच्चे तो रेगुलर ही हो, तो मैं आप 20 बच्चों से तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस। जैस्मीन, रिजुल, प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव मेरा बेटा। ओन, एक्टिव रहे बेटा, कर लेगा। लावण्या, अक्षिता, वेरी गुड। दिव्यांश, वेरी गुड। आयुष, शाबाश। करो, वेरी गुड। कृष्णा, ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज ही नहीं है इसमें। क्रिश, हो रहा है बेटा? पृथ्वी, हो रहा है? निहारिका, इशिता, गुनगुन और कनक। Yes. ओके पृथ्वी, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या कि क्या पूछा हुआ इसमें? पृथ्वी सुन रहे हो ना मेरी आवाज? ओके नहीं सुन रहा वो मेरी बात। कृष्णा आप बताओ बेटा। मैम, इसमें पहले तो एक स्टेटमेंट दिया जिसमें एक रिएक्शन दे रखी है, उसका रेट लॉ लिख रखा है, तो और उसमें दोनों कंसंट्रेशन की, मतलब वो कंसंट्रेशन डबल कर दी दोनों रिएक्टेंट की, तो एक्स टाइम बढ़ गया, तो एक्स तो वहां से आ जाएगा, रेट लॉ से 8 टाइम्स आ जाएगा ठीक है जी, लिख दूं मैं, क्योंकि देख रहे हो ना जिसमें। सभी, रेट लो उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ये उसने पहले ही आपको दे दिया एग्जामिनर ने। फिर वो बोल रहा है कि अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन आप डबल कर दे रहे हो तो रेट इज इंक्रीज एक्स टाइम्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इसका 2 टाइम्स कर दोगे, इसको भी 2 टाइम्स कर दोगे, तो रेट तुम्हारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? 8 है। आगे आओ। हाँ कृष्णा आगे बढ़ो बेटा। और ये सेकंड स्टेटमेंट में मैम ग्राफ दे रखा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ये वाई ऑर्डर का रिएक्शन है, तो मैम ये ग्राफ तो शायद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है, यस यस यस, तो वाई जीरो हो गया, तो एक्स प्लस वाई 80 आ गया। शाबाश। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा तुम लोगों का? 0 हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपसे पूछा था एक्स प्लस वाई, तो 8 प्लस 0 यानी कि 8 आपको यहाँ पे लिखना था। हो जाएगा ये सबसे? क्रेश हो जाएगा क्या? यस मैम। अक्षिता, जैस्मीन, कार्तिक, लावण्या। लावण्या कैन यू हियर मी? बेटा अभी आप लोग ना मेरी बात नहीं, मतलब मेरी आवाज नहीं सुनते, मैं कल से कैमरा ऑन करवाऊंगी, फिर देख लेना आप लोग। ठीक है, तुमको शर्म आती है तो मुझे बताओ। मैम क्लास में बोला नहीं जाता तो फिर चलो कुछ और देखेंगे, बट चैट बॉक्स में नहीं वो बोलते तो मेरे को डाउट हो जाता है, पता है तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ना वैसे तो मैं करा देती हूँ, एक बार तुम ट्राई करो। हो सकता है तुमने सेल्फ स्टडी किया हो तो तुमने देखा हो इस टाइप का क्वेश्चन, PYQs में आया हुआ है, अभी आया था 2024 में।
आप लोगों को दे रही हूँ 1-2 मिनट, आप सोच लो, अदरवाइज मैं करवाती हूँ। देखना एक बार क्या पूछा है बेटा आपसे। आपको ये रिएक्शन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन दिया है। वो बोल रहा है, ध्यान से सुनना, टोटल प्रेशर जो है गैस का वो कितना मिला है, 200 टोर मिला है, ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर 23 सेकेंड, ठीक है, यानी कि ये हमारा टोटल प्रेशर है ना, एट टाइम 23 सेकेंड, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 300 टोर हमें प्रेशर मिला है अपॉन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय बाद हमारा जो ए है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है बी और सी में। उस टाइम पे जो हमारे पास प्रेशर मिला है वो हमें मिला है 300 टोर, तो ये आप बोलोगे इनफाइनाइट, पी इनफाइनाइट, ठीक है। ये मैंने पी इनफाइनाइट वाला रिलेशनशिप क्लास में नहीं करवाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन ही ले जाती हूँ, इसी के थ्रू बता दो, ठीक है। मतलब बहुत टाइम बाद पूरा का पूरा कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बट हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, मालूम है ये, बट इसने क्वेश्चन में क्या दे दिया कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया है ए का कुछ टाइम बाद, यानी कि अब हमें मानना पड़ेगा कि पूरा का पूरा ए का जो प्रेशर था वो कन्वर्ट हो चुका है बी और सी में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द रेट कॉन्स्टेंट। अब आपको ये निकालना है, तो अपन क्या करते थे, वही काम करते हैं, पहले एक बार फटाफट से डिराइव कर लेते हैं, जैसे मैं करवा देती हूँ फटाफट से, देखो इधर। ओके, तो ए से तुम्हारा 2b + c1 है, ध्यान रखना गैसियस फेज में, अगर कोई भी सॉलिड फेज में होता ना, ठीक है, तो वहां पे आप प्रेशर को कंसिडर ना करते, सिर्फ गैसियस फेज में ही करना, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या मान लेते, जब टाइम टी जीरो था, मतलब जब तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रेशर पी नोट मान लू मैं, सारे बच्चे बताओ एग्री कर रहे हो क्या? यस मैम। अब मैं मानू कुछ टाइम टी बाद, यानी कि वो टाइम वैसे 23 सेकेंड है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी दे दू 23 सेकेंड, ठीक है, तो कुछ प्रेशर कम हुआ होगा, लेट से वो एक्स कम हुआ होगा, ठीक है, और 2x बना होगा और ये x बना होगा, क्योंकि 1 मोल a से 2 मोल b बन रहा है, तो अगर x जा रहा है तो कितना बनेगा 2x बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। अब क्या है, चलो भाई इतना भी क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे ये कुछ नहीं बचा होगा। अगर a कुछ नहीं बचा होगा तो 2b क्या बना होगा, 2p0 और ये पी नोट बना होगा, सोच लो एक बार, सोच लो, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे जहन में ये चीज है कि फर्स्ट ऑर्डर विल नेवर गोज टू कंप्लीशन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो करना पड़ेगा जैसे वो बोल रहा है, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब हमें पता है टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इस टाइम पे होगा 23 सेकंड पे कितना होगा, पी नोट प्लस 2x होगा। अब x की वैल्यू यहां से क्या निकालोगे, पीटी माइनस पी नोट बाय 2, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, पी इनफाइनाइट क्या दिया हुआ है देखना, 3p0 हो जाएगा, ठीक है, तो पी नोट यहां से क्या निकाल लोगे, पी इनफाइनाइट बाय 3, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। सोच लो, जितने थम्स अप मुझे ज्यादा मिलेंगे उतना मेरे को लगेगा कि समझ में आ गया, नहीं तो फिर मैं कैमरा ऑन करवाती हूँ। कैमरा ऑन चाहते हो, ना करवाओ तो एक्टिव रहो क्लास में, किसी की भी टर्न आ सकती है कि पूछ लूंगी क्या बताया, ठीक है, ये मत सोचना ऑनलाइन क्लास है तो मैं कुछ ध्यान नहीं दूंगी। पी इनफाइनाइट क्या है तुम्हारा, बताओ भाई कितना प्रेशर है, 300, 300 हो जाएगा 100, ठीक है जी, 100 तो हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ मैं, देखो ऊपर लिख रही हूँ, पीटी क्या है, टोटल प्रेशर कहाँ गया, 200,
पी नॉट क्या आया 100 बाय 2, यानी कि कितना आ गया अपना 50, यस मैम 50 आ गया। चलो अपने पास x की वैल्यू आ गई, अपने पास p नोट की वैल्यू आ गई, बस तो चाहिए क्या, कुछ नहीं। तो k क्या होता है 2.303 बाय t log इनिशियल प्रेशर बाय कितना बच गया टाइम t बाद, यानी कि 23 सेकंड बाद कितना बच गया p नोट माइनस x। अब तुम्हारे पास t है 23 सेकंड, तुम्हारे पास p नोट है 100, p नोट माइनस x है 100 माइनस 50, क्या यहां से तुम नहीं निकाल सकते हो कि रेट कॉन्स्टेंट क्या आएगा, बताओ, आराम से निकाल सकते हो। चलो yes. करो जल्दी से वैल्यूज पुट करो एंड मुझे इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। सारे बच्चे करेंगे यहाँ पे, 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 करेंगे। हम 3 आ रहा है क्या? थ्री इंटू 10^-2 0.03 आ रहा होगा। अनिरुद्ध आ रहा है क्या? अनिरुद्ध 0.03 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 3। चलो बताओ आ गया क्या, फटाफट से थम्स अप दे दो। मैं थम्स अप देने का मतलब है कि आ गया ना। अनिरुद्ध आ गया तुम्हारा आंसर? अनिरुद्ध आपको थम्स अप से नहीं, अनम्यूट करके बोलना बेटा। यस मैम। तुम्हें बस एक दो दिन रुक जाओ, कल से कॉल लगाना स्टार्ट करूंगी सब। चलो आ जाओ, करें आगे चलते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। जैस्मिन आप बताएंगी ये वाला मेरे को, ठीक है? अप्रोच बताएंगी इसका कि कैसे अप्रोच करेंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। सोचो अनिरुद्ध हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन बेटा, कैसे अप्रोच करेंगे बताओ। क्रिश कोई आइडिया लग रहा है बेटा? क्रिश यस मैम लग रहा है कुछ? मैम कर रहा हूँ अभी। आज कैसे अप्रोच किया वैसे तुमने, थोड़ा बताओगे? अरेनियस इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा जैस्मीन ने कहा अरेनियस इक्वेशन लगाएंगे, लगा देते हैं फिर। जैस्मीन जैसे कह रही है k is equal to a e raised to the power minus e r t है जैस्मीन? यस मैम। चलो करें फिर वैसे, पहले तो मैं तुम्हें वैसे करवा रही हूँ जैसा तुम सोच रहे हो, उसके बाद मैं इसका ट्रिक तो मैं क्या ही बोलूं, इसका एक तरीका बताऊंगी करने का, सो दैट यू कैन इजिली
सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30 to 40 seconds. ठीक है, एक बार मैं वो बता देती हूँ जैसे आप लोग कर रहे हैं. हाँ जी लावण्या बोलो बेटा. मैम 30 kilojoule आ रहा है. 30 आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है क्या? 30, 40, 50. आयुष 50 आ रहा है बेटा, एक बार चेक करो. 30 आ रहा है, आ गया. चलो देखो ऐसे की है क्या तुमने अरेनियस इक्वेशन. अब के वन को क्या लिखू मैं? ए वन ई रेस टू द पावर माइनस ई वन बाय आर टी. एक बार देख लो ये पूरा लंबा वाला तरीका देख लो, फिर मैं छोटा तरीका बता दूंगी आपको. ठीक है, ए टू ई रेस टू द पावर माइनस ई टू बाय आर टी डिवाइडेड बाय ए थ्री ई रेस टू द पावर माइनस ई थ्री बाय आर टी. ठीक है, इसमें से तुम क्या कर सकते हो बाय द वे, इसको बाहर ले लो. ए वन ए टू बाय ए थ्री, ये क्या बन रहा है बताओ? माइनस ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री बन रहा है ना, डिवाइडेड बाय आर टी. बोलो हाँ या ना? यस मैम. चलो एक काम करते हैं, हमारा ये ई रेस टू द पावर माइनस ये बाय की फॉर्म में है ना, हम इसको भी वैसे ले लेते हैं. तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये प्लस का कर देती हूँ और ये माइनस कर देती हूँ. ठीक है ना? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस. अपने को क्या करना है, मतलब किससे, इधर आओ क्वेश्चन पढ़ो. अपने को मतलब किससे, ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ई ए वन ई ए टू क्या है, आपको वैल्यूज दे रखी है, आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि आपको ये निकालना है. कंपेयर कर लो क्या है बेटा, ये क्या आ जाएगा, ई वन प्लस ई टू माइनस ई थ्री, यही आ जाएगा. 30 आ रहा है, बस 30 आ रहा है, तो बढ़िया है. ई वन क्या है अपना, ई वन है अपना 40 + 50 - 60, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया. आंसर इज 30. ठीक है, अब ये तो बात थी क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम शायद ऐसा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैंने ऐसे बताया आपको. अब पेपर में क्या होगा, पेपर में दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला तरीका होता है ये वाला, ठीक है, पहले नहीं आता था, पहले ये एडवांस में क्वेश्चन आया करते थे, बट ये अब एडवांस से जेई मेंस में भी डाल रहे हैं ये क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो ऐसे बार एक बार ये कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ अभी. यस मैम. ठीक है, बढ़िया. ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग प्लीज अपने नोट्स में लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन लगता है ना जब मैं बोलती हूँ बेटा हाँ ये डिफरेंट है, तो प्लीज उसको अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि वो आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं पेपर में. ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा ना, इसी तरीके से कुछ पूछेगा कि ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और ये दे के रखेगा, और आपसे वो बोलेगा कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो. तो आपको ना कुछ नहीं करना डेरिवेशन, सिंपल ये देखो जो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दो, दैट इज ई ए वन प्लस ई ए टू. ठीक है जी, और जो डिवाइड में है ना वो माइनस कर दो, बस तुम्हारा सवाल हो जाएगा. सारे ऐसे ही करते हैं. एक तो ये बनता है टाइप वन क्वेश्चन, इसमें से एक टाइप का क्या बनता है, मान लो वो तुम्हें दे दे कि बेटा ओवरऑल रेट कांस्टेंट ना तुम्हारा ये है, ध्यान से सुन लो, ये है पावर में कुछ दे देगा, वो तुम्हें कहेगा कि बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बता दो. अब तुम ये नहीं करोगे ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई थ्री की पावर 2/3, ना ना ना. जब भी पावर वाला कोई आ जाता है क्वेश्चन, तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, पावर को आगे लाना. क्या काम होगा, पावर को आगे लाना. तो 2/3 क्या लिखोगे, अब वही कर दो जिसमें किया था, ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री. अभी मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया, ये भी बिल्कुल वैसे ही डिराइव करके ही आया, समझ रहे हो, लेकिन पेपर में ड्राइव थोड़ी ना करने बैठोगे इतने इजी क्वेश्चन को, करो नंबर लो. ठीक है, तो जब अगर पावर आ जाती है पावर को आगे लाओ, अगर मल्टीप्लिकेशन में रेट कांस्टेंट तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दो, और माइनस क्या कर दोगे अगर रेट कांस्टेंट आपका उसमें है डिवाइड में है. क्लियर हो गया ये, प्लीज अपनी नोटबुक में डाल लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में डाल लीजिए. ओके, गुनगुन का हो गया, कनक का हो गया, सुजल का हो गया, कार्तिक हो गया, क्या जैस्मीन हो गया, ठीक है, वेरी गुड क्रिश. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, बस फिर इसके बाद कोलिजन थ्योरी कराऊंगी.
ये वाला तो करवाया था क्लास में बेटा, कर लो एक बार, कर लो, हैंड रेस कर लीजिए प्लीज अपना, जिसका भी होता जा रहा है। शाबाश, बहुत अच्छा जा रहा है बेटा। वेरी गुड कृष्णा, इशिता, कनक, बाकी बच्चे, वेरी गुड कृष। इन्होंने इक्वेशन नहीं दे रखी, इन्होंने नहीं दे रखी तो ये कंसिडर करो फिर। शाबाश, फाइव स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, वेरी गुड, चार बच्चों ने हाथ खड़े करे हैं। दिव्यांश, जैस्मीन, लावण्या, लावण्या हो रहा बेटा, अक्षिता, ओके, कौन बताएगा? कनक आप बताइए बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कैसे किया आपने? मैम पहले टाइम जीरो पे एक की जो वैल्यू होगी वो पी नॉट होगी और जो बी और सी की वो जीरो होगी। और फिर टाइम टी पे पी जो एक की वैल्यू होगी वो पी नॉट माइनस एक्स होगी और बी और सी की एक्स और एक्स होगी। और फिर हमने पी नॉट निकाला, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली पी टी माइनस पी नॉट। और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला लगाया k is equal to 2.303 upon t log p naught upon p naught minus x, फिर x के जगह pt minus p naught निकाल के फिर ये आंसर है। वेरी गुड, ठीक है। अब p naught को इन्होंने क्या लिया हुआ, pi लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलूं आगे, चलो। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बात कर रही थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं वेट कर रही थी कि ये क्वेश्चन है कब डालेंगे जेई वाले। फाइनली इस साल इन्होंने डाल दिया था 2024 में, तो काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको करके देखिए क्या पूछ रहा है। ओके, दिव्यांश का हो गया, शाबाश, इशिता का भी हो गया, ठीक है। जैस्मीन का भी हो गया है, ओके। जैस्मीन आप बताओ बेटा। ऑप्शन वन, ये वाला ना, ओके। तो आप कह रही हो कि इंटरमीडिएट दो होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तीन होंगे। चेक कर लो, वैसे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तुम्हारे ट्रांजिशन स्टेट हैं, तीन ही होंगे, और इंटरमीडिएट कितने होंगे, दो हैं। फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने बेटा, याद हो तो तुम लोगों को। नाउ अब आती है बात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। तो एक बार बताओ, क्या नाम है जैस्मीन, अपना जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? यस मैम। अब स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब क्या है, रेट स्लो है और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा मेरा बेटा उसी का तो रेट स्लो होगा ना, समझ रहे हो? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसी का रेट स्लो होगा, मतलब उसी को ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये वाला स्टेप है ना, स्टेप टू,
यहाँ पे जो रेट स्लो होगा और वही स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा रेट को डिटरमाइन करेगा. तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रेट तुम्हारा कम, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा, वो तुम्हारा टू होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरमीडिएट कितने हैं, दो है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तीन है, और ये यानी कि ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें. ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं फाइनली किस पे, कोलिजन थ्योरी पे चलते हैं. अब कोलिजन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं आफ्टर योर आर्हेनियस इक्वेशन. वैसे तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा पहले ही बता के रख दिया था कि आर्हेनियस इक्वेशन में, एक बार फिर से लिख के दिखा रही हूँ, आर्हेनियस इक्वेशन मेरा ये था मेरा बेटा, याद करो. ठीक है, ये था. इसमें हमारी क्या क्या टर्म्स थी आप लोगों को पता होना चाहिए. हमारा जो ए था वो हमारे, हमने बोला था आर्हेनियस फैक्टर बोल दो, इसको कोलिजन फैक्टर बोल दो, है ना. तो बेसिकली रेट ऑफ कोलिजन था. ठीक है, एंड ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी क्या था, कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यही वाली बात थी. चल, तो यानी कि अब कोलिजन थ्योरी में क्या चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं जो आर्हेनियस ने नहीं बताया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो कोलिजन थ्योरी है ना मेरा बेटा, तो कोलिजन थ्योरी पॉइंट्स बना के लिखेंगे. कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेस एलिमेंट्री रिएक्शंस. यानी कि कोलिजन थ्योरी हम सिर्फ किन के लिए पढ़ने वाले हैं, बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए पढ़ने वाले हैं. और ये है इसकी लिमिटेशन भी होती है कि ये सिर्फ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस के लिए एक्सप्लेन की गई है. पहला पॉइंट ठीक है मेरा बेटा, बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट है इसका कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जो हम लेंगे, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो भैया हार्ड स्फीयर होंगे. उसका मतलब कोई हमने स्ट्रक्चर वगैरह कुछ कंसिडर नहीं किया है. दिस इज ऑल्सो एन लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी कि उन्होंने हार्ड स्फीयर कंसिडर कर लिया. बट ठीक है, हमें लिमिटेशन पे तो जाना नहीं है, ना सवाल आता वहां से. ठीक है, थर्ड पॉइंट वो क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट वो ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट व्हेन मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. यानी कि ये तीन पॉइंट्स है जो तुम्हें क्या होने चाहिए, ध्यान होना चाहिए. पहला एक्सप्लेन करता मैकेनिज्म ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेस एलिमेंट्री रिएक्शन, तो क्लियर है जी. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमने क्या एज्यूम करें, इसमें हार्ड स्फीयर है. ठीक है जी, अच्छा जी. उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी वो कह रहे हैं कन्वर्ट करेगा जब मॉलिक्यूल मस्ट कोल, मतलब मॉलिक्यूल का कोलाइड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो बेसिकली तीन चीजें हैं जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड करेगा. कौन कौन सी है मेरा बेटा, सबसे पहला है तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड. ठीक है, पहली बात तो कोलाइड करना चाहिए, जब कोलिजन ही नहीं होगा तो बात ही क्या. मान लो वो कोलाइड भी कर गया तो उसके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए. हाँ जी, मान लिया उसने कोलाइड भी कर दिया, उसके पास एनर्जी भी है, उसके बाद मान लो प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है उसका. इधर आओ, मान लो यहां से आ रहा है एक बंदा, यहां से आ रहा है, या एक कार यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, सिर्फ ऐसे टच करके चली गई, कुछ होगा क्या, नहीं होगा. ठीक है, बेशक उनके पास अच्छी खासी स्पीड में वो आ रहे हो, डजंट मैटर. अगर जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है. ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए. ठीक है जी, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट क्या होगा या मैं बोलू प्रोडक्ट कब बनेगा, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ कि नो. यस मैम. ठीक है, चलो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं. ए बी बाय ए बी बाय ए बी, क्योंकि अभी मैंने बोला हम किसके लिए पढ़ रहे हैं कोलिजन, ये कोलिजन थ्योरी बाय मोलिकुलर रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आता है, ये वही है जो हम आर्हेनियस फैक्टर बोल रहे थे ना, वही है ये.
तो ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो तुमने एक मोल सब्सटेंस लिया है, लेट्स से 1 ml पे, ठीक है मेरा बेटा 1 ml में लिया है, और मैं बोल रही हूँ 1 सेकंड में लेट्स से 10^12 कोलिजन हो रहे हैं, तो 10^12 जो 12 कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या नहीं होंगे, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। नोट, ऑल द कोलिजन आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम इतने कोलिजन हो रहे हैं और सारे के सारे किसमें चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमारे क्या होने वाले हैं, इफेक्टिव कोलिजन करने वाले हैं। तो अगर मुझे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोलनी है तो मैं क्या बोलूंगी, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं, वो तुम्हारे क्या है मेरा बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बात ठीक है क्या, बताओ एक बार, ठीक है, आप लिख भी सकते हो ओनली ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव। लिख लिया, इतना लिख लिया तो चलते हैं फिर आगे। बहुत ही बढ़िया, उसके बाद है इफेक्टिव कोलिजन। मैं बार बार बोल रही हूँ इफेक्टिव कोलिजन, तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन से मेरा मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत बहुत जरूरी है, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, वैसे मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, हाँ है ना? Yes, ma'am. और जनरली क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, अगर आप कोई बुक्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तो वो उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को कोलिजन थ्योरी में ना सेम सेम बोल देते हैं। तो अगर कहीं पे मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को ये ऑलमोस्ट, वैसे बराबर नहीं होता है, दोनों अलग अलग है, बट ऑलमोस्ट बराबर वो कंसिडर कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी में, इसलिए मैंने यहाँ पे जान करके थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख दिया है कि अगर मान लो तुम किसी बुक में पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए सो दैट बैरियर को वो क्रॉस कर सके। अब एक बार बताओ, कोई मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, सुस्त सा है, एनर्जी ही नहीं है लड़के में, बंदे में अगर एनर्जी ही नहीं है तो क्या कोलाइड करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं बना पाएगा, तो यानी कि होनी चाहिए भाई उसके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना इसका क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन के लिए तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, सेकंड होना चाहिए मेरा बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन। जल्दी से इसको लिख लो, लिख लो इसको, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर अलाइनमेंट, ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पे, देखो क्या दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये दिखा रही हूँ, लेट से ये आपके पास रिएक्टेंट है ए और बी, अगर आप चाहते हो इफेक्टिव कोलिजन हो तो दे शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे देखो ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी ए को अप्रोच कर रहा है सेम, ठीक है। तो जब इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जो ये वाला बना है आपका मैं बोल ट्रांजिशन स्टेट बोल दो इसको, यहाँ पे आपको दिख रहा है इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, ए बी से टकरा रहा है, बी ए से आ रहा है, तो अब क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि जब आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ना उन्होंने ना बड़े ही खराब से एग्जाम्पल दिया हुआ है, उन्होंने ना SN1 और SN2 के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, वो मैं बता देती बट कोई बताने का सेंस नहीं बनता क्योंकि आपने अभी शायद पढ़ा ही नहीं SN1 SN2। मैंने तो नहीं पढ़ाया, स्कूल में पढ़ा हुआ अलग बात है बट मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं वो चीज नहीं पढ़ाऊंगी जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल लेना अवॉइड किया है, तभी मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं सेकंड वाला केस देखूं मेरा बेटा, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, एक बार बताओ, अगर ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी ए को अप्रोच कर रहा है, वो तो ठीक है, इन दोनों का तो काम हो गया, इन दोनों का क्या, इनमें तो कोलिजन हुआ ही नहीं, देख पा रहे हो, तो इनको ऐसे हम बोलते हैं, इन सबस्ट्रेट्स को बोलते हैं इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, इनका अलाइनमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं होने वाला, अगर कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं होगा तो भैया प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, वो कहेगा भैया हम रिएक्टेंट में रह के क्या है, खुश,
ठीक है जी, देखो ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मन हो तो बना लेना, वरना कोई नीयत नहीं है इसकी बनाने की। ओके नाउ, अब हमने क्या बोला, क्या बोला, ये वाले फैक्टर कंसिडर करते हुए हमारा जो रेट आ रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो अब किस पे डिपेंड करने वाला है, देख ये नई हमारी इक्वेशन आने वाली है, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। अपनी आरेनियस इक्वेशन क्या थी मेरा बेटा, के इज इक्वल टू ए, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, ये थी ना अपनी इक्वेशन। यस मैम, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या था, ये क्या है, वही तो है जेड ए बी है, ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी क्या है, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन लेकिन बात इससे नहीं चलेगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी बोल दो, स्टीरिक फैक्टर बोल दो, या इसको बोल दो ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है मेरा बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर Which consider fraction of particle colliding in proper orientation, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रेट की इक्वेशन आ गई, देख पा रहे हो? Yes ma'am। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर collision frequency ज्यादा है, number of collision ज्यादा हो रहे तो rate भी ज्यादा होगा, या आप और तरीके से बोल सकते हो अगर ma'am reactant की concentration ज्यादा होगी तो भी collision frequency ज्यादा होगा, obvious ही बात है, अगर ज्यादा reactants होंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? Yes ma'am। चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। आगे है क्या कुछ? हाँ, आगे एक दो छोटी चीजें और बताते। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इन जनरल एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बता रही हूँ मैं, छोटी सी चीज बता रही हूँ बस, ए प्लस बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है मेरा बेटा। तो आप सबको अगर इसका रेट लो लिखना है तो कैसे लिखते हो, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये ऐसे ही लिखोगे? यस मैम। यस मैम। चलो भाई, अगर मैं थोड़ा सा आरेनियस इक्वेशन से इसको रिलेट करूं तो क्या लिखोगे, के क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट और वो किसके बराबर होता है, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हारी इधर देखना, एक ये इक्वेशन है, लेट्स से ये इसको मैं वन बोल देती हूँ, इसको मैं टू बोल देती हूँ, क्या तुम वन और टू को कंपेयर कर पा रहे हो क्या, देखना कर पा रहे हो क्या? तो तुम्हारा पी जेड ए बी किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है? Yes, ma'am। देख लो आराम से, देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ए क्या है? Yes, ma'am। ए क्या है? आरेनियस फैक्टर। पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। जेड ए बी क्या है? आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखना इससे हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं बेटा यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इंटू जेड ए बी डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन, देखो। yes। तो मैं अब यहां से मैम आप बताना क्या चाहते हो, पहले तो ये बताओ, यानी कि ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारी आ गई ए थ्योरिटिकल, ये क्या है, ए आरएनएस फैक्टर ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली आई है ना, एक देखो आरएनएस इक्वेशन सब सही चल रहा था, हमने कोलिजन थ्योरी में क्या किया, एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया पी, उसके आने से कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो अब जो ये ए आ रहा है वो ए वो वाला ए नहीं है जो तुम कहां पढ़ रहे थे आरएनएस में, अब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है जो हमने अब जो निकाला है पी से मल्टीप्लाई करके निकाला है, और ये क्या है, ये ए थ्योरिटिकल था, ठीक है। अगर तुम इसको प्रोबेबिलिटी या मैं बोलूं ओरिएंटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है ए वो आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देखो यानी कि ओरिएंटेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, ए ऑब्जर्व बाय ए थ्योरिटिकल, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं इन जनरल, अगर इन जनरल में मोस्ट ऑफ द, मैं सभी रिएक्शंस की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ इन जनरल, जो पी की वैल्यू होती है यानी कि जो ओरिएंटेशन फैक्टर होता है वो लेस देन वन होता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन,
अगर कहीं पे पी ग्रेटर देन वन बोल रखा हो एग्जामिनर ने तो वो वहां पे आपको लिख के दे देगा कि भैया पी की वैल्यू ये है, नहीं दे रखा होगा तो वी विल कंसिडर कि हमारा जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो लेस देन वन आएगा। मतलब अगर लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्योरिटिकल वैल्यू है ए की वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ऑब्जर्व से देखो एक बार। यस मैम। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ से एडवांस का क्वेश्चन बना हुआ है, जेई मेंस का तो नहीं बना हुआ। आप यहाँ पे लिख लीजिए ये जो पोर्शन है दिस इज फॉर जेई एडवांस। जब आपका मेंस का पेपर होगा इसको आप रहने भी दे सकते हो, आपको बस यहाँ तक पढ़ना था। ठीक है जी, लिख लीजिए, लिख लो जो। यानी कि अगर आपका जनरल अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि पी लेस देन वन है, दैट इज योर ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि अकॉर्डिंगली आपका जो थ्योरिटिकल ए है वो ज्यादा हो जाएगा ऑब्जर्व से। बट अगर एग्जामिनर लिख के ही देता है आपको कि भैया पी ग्रेटर देन वन है, फिर उस केस में जो ए ऑब्जर्व है वो ज्यादा हो जाएगा, वो लिखेगा एग्जामिनर। नहीं तो नहीं दे रखा तो हम वही कंसिडर करेंगे जो खुशबू मैम ने बोला है, दैट्स इट। ठीक है, चलो लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चले चलो, अब बात आती है थोड़ी सी अलग चीज की। मतलब है तो जो भी मैं कराने वाली हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले नहीं कराया जाता था बट अभी कुछ टाइम से ना एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं। मतलब ये लगा लो लास्ट एक दो साल में यहाँ से क्वेश्चन डाले हैं 2023 और 24 में कंबाइंड रिएक्शन से, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, अब कंबाइंड रिएक्शन बेसिकली जिसमें आप पैरेलल रिएक्शन या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस पढ़ते हो वो कंबाइंड रिएक्शन में आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पढ़ना क्या है मैम, ये है क्या ये तो बता दो हमें। तो बेसिकली सिर्फ मैं एक बार ये लैंग्वेज पढ़ के सुना रही हूँ, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी। वो ये कह रहा है कि साइमल्टेनियस रनिंग टू और मोर रिएक्शन इन विच एटलीस्ट वन सब्सटेंस इज कॉमन, आधे बच्चों को हो सकता है ऊपर से गया। इसका मतलब ये है कि एक ही साथ दो या दो से ज्यादा रिएक्शन चल रही हैं जिसमें एक सब्सटेंस, एटलीस्ट दो भी हो सकते हैं कॉमन बट एक तो कॉमन होगा ही, वो कंबाइंड रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब मैम समझ नहीं आया मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी है क्या, पढ़ी है क्या बता दो। यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तुम इसकी क्या कराते थे, हाइड्रोकार्बन में नाइट्रेशन कराते थे ना, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो तुम्हें एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता था, याद करो, याद कर लो, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा, मैं ऐसा पढ़ा तो था, और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है ना जी। फिर आप बोलते थे मैम पैरा वाला मेजर है और ये वाला जो है ऑर्थो वाला माइनर है, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं जी, बोलो। तो यानी कि एक रिएक्टेंट से आपको क्या मिले हैं, दो प्रोडक्ट मिले हैं, इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको मैं बोल देती हूँ बी। यानी कि एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करवाने पे ए भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है, साइमल्टेनियस मिल रहा है ना। ठीक है, और जिसमें आपका एक रिएक्टेंट जो ये वाला रिएक्टेंट है दैट इज कॉमन, इन दोनों के लिए कॉमन है ना, बिकॉज इसी की रिएक्शन करवा के आपको ऑर्थो और पैरा मिल रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। देख रहे हो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा जो लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस रनिंग टू और मोर रिएक्शन इन विच एटलीस्ट वन सब्सटेंस इज कॉमन। देखो अभी क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन जिसमें एक ही बंदे से दो प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। ऐसे समझो आपके पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ए से बी भी बन रहा है और ए से क्या बन रहा है मेरा बेटा, सी भी बन रहा है। ठीक है, ए क्या है, कॉमन है, क्लियर है पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। अब हम समझते हैं, जल्दी से थम्स अप दे तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है, तो अब हम समझते हैं मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए अभी मैं बताती हूँ, पानी पीऊँ बस एक बार, ये आपको उसमें नहीं मिलेंगे शायद, मॉड्यूल में भी नहीं है ये वाला टॉपिक।
कि आपको किसी कोई आप बुक ले लो जो आप स्टैंडर्ड कोई भी बुक ले लो फिजिकल की स्टैंडर्ड बुक, वहां पे आपको मिल जाएगा ये टॉपिक कंबाइन रिएक्शन से। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। मान लेते हैं कि आपका कोई ए रिएक्टेंट है, वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ए से बी बन रहा है, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे सी भी बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं टू सी बन रहा है, ठीक है मेरा बेटा। मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट के वन है, कि रेट कांस्टेंट बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मत ले जाना, मैं एक काम करती हूँ स्मॉल ही लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। और जब सी बन रहा है यानी कि टू सी बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट है के टू, ठीक है। बात जम रही है, बोलो ये सुनो। यस मैम। ओके, अब मैं क्या कह रही हूँ बेटा, रेट लिख दो। रेट कैसे लिखोगे, तो याद करो पहली क्लास में सिखाया था ना मैंने रेट लिखना। तो अगर मान लो तुम्हें लिखना है रेट, लेट से इसका रेट है R1, A से B बन रहा है और A से 2C बन रहा है R2, तो R1 में कैसे लिखूंगी, माइनस dA by dt, देख रहे हो। क्योंकि मेरे लिए तो क्या है, अगर A से B बन रहा है या A से C बन रहा है, दोनों ही केसेस में मेरे लिए A क्या है, मेरा डिसअपीयरेंस है, मतलब खत्म हो रहा है विद टाइम, यस और नो। और मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, R2 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, R2 रेट कैसे लिख सकती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी, खत्म हो रहा है विद टाइम, एंड C बन रहा है, उसके लिए क्या लिखूंगी, 1 बाई टू डी सी बाई डी टी, बस मुझे इतना बता दीजिए आप लोग। यस मैम। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, के वन ए लिख सकती हूँ क्या, रेट लो के अकॉर्डिंग, और इसको मैं लिख दू के टू ए, बताओ, सोच लो सोच लीजिए, नई चीज है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। रिपीट करती हूँ मैं एक बार और, रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली पैरेलल रिएक्शन क्या है, इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। आपका एक रिएक्टेंट है, उससे आपका बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया कि ए से जो बी बन रहा है उसका रेट कॉन्स्टेंट के वन है, रेट आर वन है। आपको अगर आर वन स्मॉल आर वन लेना वो भी ले लो, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए मैम लिख क्या रही है। ऐसे ए से जब सी बन रहा है तो उसके केस में रेट कांस्टेंट के टू है और रेट क्या है, आर टू है। तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था रेट आर वन। अगर मान लो मैं सिर्फ यही वाली रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो आप उसका रेट कैसे लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, और रेट लो के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख दूंगी के वन ए। अगर सेम मैं अगर इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू डी सी बाई dt is equal to k2a, ठीक बात है। चलो अब मुझे ये बताओ, मैं db by dt क्या लिखूं, db by dt मैं ये लिख सकती हूँ k1a, है ना, और dt by dt क्या लिख सकती हूँ, 2k2a, देख लो एक बार, है ना। अच्छा और क्या लिख सकती हूँ, माइनस da by dt को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो मैं लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो, माइनस डी ए बाई डी टी के वन ए प्लस के टू ए, सोच लो। यस मैम। और इसमें ए को कॉमन ले लो, यानी कि के वन प्लस के टू, देखो बेटा लिख सकती हूँ ऐसे डायरेक्ट आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाती हूँ बनते कैसे, लिखने आया। यस मैम। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो मेरा बेटा एक बार, ठीक है। चलो ये एक टाइप हो गया पहला रिएक्शन, ठीक है। अरे भाई साहब मैंने जगह भी नहीं छोड़ी, चलो कोई नहीं, इतना लिख लिया ना, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, पता चले लिखे ही ना और मैं आगे बढ़ती चली गई। आराम से समझो, नई चीज है थोड़ी सी। चलो आगे चलते हैं। मान लो एक टाइप का तुमसे पूछता है रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, वो पूछता है कि ए से बी भी जा रहा है और बी से ए भी बन रहा है। वो कह रहा है, मान लेते हैं कि रेट इसका क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, व्हेन ए गोज इनटू बी आर एफ, और जब बी वापिस आ रहा है ए में तो उसका जो रेट है दैट इज आर बी, ठीक है। ऐसे आप रेट कॉन्स्टेंट ले सकते हो, के एफ और के बी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, वही करना जो अभी कराया है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख लें,
क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस डीए बाय डीटी, है ना, रेट ऐसे ही लिखूंगी, प्लस डीबी बाय डीटी। बोलो, और इसको क्या लिख सकते हो, के वन ए लिख दो, बोलो, या के एफ ए लिख दो अगर इसका रेट कॉन्स्टेंट के एफ एफ और फॉरवर्ड डायरेक्शन। आरबी कैसे लिखूंगी, अब आरबी के लिए यानी कि बैकवर्ड के लिए मेरे पास ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो माइनस डीबी बाय डीटी इज इक्वल टू प्लस डीए बाय डीटी, देखिए बच्चे, और ये क्या हो जाएगा केबीए, ध्यान से देखिए, तो अगर मुझे मान लो डीबी बाय डीटी लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, डीबी बाय डीटी किसके बराबर है, आरएफ, या आप केएफ की टर्म्स में लिख लो, बस लिखना आना चाहिए, आरएफ माइनस डीबी बाय डीटी है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो, बताओ लिख सकती हूँ ये मैं, या आप ऐसे लिख दो केएफए माइनस केबीए लिख दो, लिखना आना चाहिए बस इक्वेशन को, अभी क्वेश्चन करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि मैम कहना क्या चाह रही है इनसे, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है जी। देखो ऐसे आप माइनस डी ए बाय डी टी बोल सकते हो, क्या बोलोगे माइनस डी ए बाय डी टी को, आर एफ माइनस आर भी बोल दोगे, लिख लेती हूँ मैं, लिख देती हूँ आर एफ माइनस आर बी, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये देख लो मेरा बेटा, जो ये K1 प्लस K2 है ना, इसको आप कई बुक्स में देखोगे लिखा मिलेगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, K इफेक्टिव, सुन रहे हो आप सब मेरी बात, यहाँ पे आपको K1 प्लस K2 को कुछ बुक्स लिखेंगे K इफेक्टिव, K इफेक्टिव क्या होता है, K1 प्लस K2 होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है बेटा, एक क्वेश्चन आया था अभी जेई में 2023 में आया था, पता नहीं 22 में आया था, मेरे को एग्जैक्ट देखो ईयर याद नहीं है, जब आप करोगे ना वहां पे आपको मिलेगा। तो अगर मेरा बेटा मैं यहाँ पे टी इफेक्टिव लिखूं, टी हाफ इफेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा 0.693, या एक काम करो एल एन टू बाई के इफेक्टिव हो जाएगा, बस ये बता दो मेरे को, ठीक है। yes, तो ma'am. टी हाफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल एन टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, अब के वन बाय के टू, के वन प्लस के टू को क्या लिख सकते हो तुम लोग, लिखना मेरे पास एक तो स्पेस भी नहीं है, यहाँ पे लिखना, ये कैसे लिख सकते हो एल एन टू बाय के वन को कैसे लिखोगे, एल एन टू बाय टी हाफ, और ये भी क्या बन जाएगा एल एन टू बाय टी हाफ, मतलब ये टू के लिए ये वन के लिए, देखो अब तुम क्या कर सकते हो, एल एन टू अगर तुम कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा वन बाय टी हाफ वन, वन प्लस वन बाय टी हाफ वन प्लस वन बाय टी हाफ टू, कर सकते हो ऐसे, बोलो एक बार। मैम एक बार फिर से बताना, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को बेटा? यस मैम। ठीक है मैं बता रही हूँ मेरे बेटा, देख क्या बोला मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये वाला आ गया, के इफेक्टिव क्या है, के वन प्लस के टू है, ठीक है, और टी हाफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एक मिनट, टी हाफ इफेक्टिव नहीं, एल एन टू बाय टी हाफ, एक सेकेंड, एक मिनट इसको मैं इरेज कर रही हूँ, कलर भी चेंज कर रही हूँ, ओके, ठीक है। मैंने क्या बोला, के इफेक्टिव आपका ये है, तो मुझे अगर टी हाफ लिखना हो, टी हाफ इफेक्टिव, टी हाफ क्या होता है, एल एन टू बाय के होता है, तो टी हाफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय के इफेक्टिव हो जाएगा, बस ये बता दो मेरे को, ठीक है। अब टी हाफ इफेक्टिव वाला ही मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय के इफेक्टिव क्या था, लिखो K1 प्लस K2 हो जाएगा,
ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, टी हाफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय क्या हो जाएगा, के वन को मैं क्या लिख सकती हूँ मेरा बेटा, एल एन टू बाय टी हाफ लिख सकती हूँ। यही तो होता है ना फॉर्मूला रेट कॉन्स्टेंट का, इन केस तो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ही टाइप है। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, एल एन टू बाय टी हाफ टू लिख दू, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ लिखती हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या बन गया मेरा, टी हाफ इफेक्टिव एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन टू बाय टी हाफ वन प्लस एल एन टू बाय टी हाफ टू। बोलो। यस मैम। तो अब ये क्या बन जाएगा, एल एन टू को कॉमन ले लो, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो, किसका रेसिप्रोकल लोगे, एक सेकंड कहां गया मेरा, हाँ ये क्या बन जाएगा, वन बाय टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाय टी हाफ वन प्लस वन बाय टी हाफ टू। देखो ऊपर चला जाता ना ये, तो मैंने इसका क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया और ये इस तरीके से आ गया, देख रहे हो, करके देखो हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। मैंने क्या किया, टी हाफ का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, वन बाय टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाय टी हाफ वन, जो भी रिएक्शन आपको दी होगी, प्लस वन बाय टी हाफ टू। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं कि मैम क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था जेई में 2019 में, मैं करवाती हूँ इसको, अपनी क्लास कब तक है, 8:30 तक ना, हाँ। तो बेसिकली ये एक रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ध्यान से देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है। आपसे पूछा है डीए बाई डीटी का एक्सप्रेशन लिख दो, तो आप लोग कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले क्या करो, इनको अलग लिख लो। A2 जब 2A में जा रहा है तो इसका इन्होंने रेट कांस्टेंट दे रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, दैट इज K1, और जब तुम्हारा 2A वापस से A2 में जा रहा है तो इन्होंने दिया हुआ है बैकवर्ड के लिए -1 लिख के दे दिया, ठीक है। अच्छा तो मुझे बस ये बता दो, तुम यहाँ पे रेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे डी ए टू बाई डी टी माइनस डी ए टू बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए टू, ऐसे ही लिखोगे, बस मुझे ये बता दीजिए। यस मैम। ऐसे लिखो, हाँ मैम ये तो आपने सिखाया था। इसका कैसे लिखोगे, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टू, कैसे लिखोगे, के माइनस वन ए का स्क्वेयर, देख लो। अपने को चाहिए डी ए बाई डी टी, अपने को ये चाहिए, तो मैं डी ए टू बाई डी टी का मुझे कोई काम नहीं, मैं हटा दे रही हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ये चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें भी जो टू है वो यहाँ पे ले जाऊं, देखो, क्योंकि मुझे तो डी ए बाई डी टी चाहिए ना, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये देखो, और इसमें भी मैं टू को यहाँ ले जाती हूँ, आ गया एक्सप्रेशन, आ गया होगा, देखो आंसर। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, वो हो जाएगा टू के वन ए टू माइनस टू के माइनस वन ए का स्क्वायर। बोलो हाँ के ना, या दोबारा बताओ। यस मैम। एक बार खुद करके देखो, ये तो मैंने कर दिया, एक बार खुद करके देखो क्या आ रहा है सेम चीज जैसे मैम ने किया, आंसर इज ए, एक बार खुद करके देखो क्या आ रहा है, आ रहा है तो बढ़िया बात है, ये आया था तुम्हारे 19 में। अब एक क्वेश्चन और करा देती हूँ जो 2024 में आया था। हाँ।
यस मैम आ गया, क्योंकि अपने को डी बाई डी ए बाई डी टी चाहिए था तो ये रहा, ठीक है, ये माइनस में था ना आगे, तो अपन ने माइनस लगा दिया यहाँ पे, बिकॉज अपने को क्या चाहिए, डी बाई डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन चाहिए, खत्म, ठीक है। एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये नई चीज है, ठीक है। ये आया था 2024 में बेटा, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में। अब देख क्या बोल रहा है ये, ओके, ऐसी वाली रिएक्शन को बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ये भी सिंपल है। ए से बी में जा रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, और वही बी सी में भी जा रहा है, रेट कांस्टेंट है K2। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, अगर आपका सी बन रहा है तो सी के लिए क्या है, रिएक्टेंट है, हाँ या ना? Yes, तो वो कह रहा है इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेट टू बी जीरो, मतलब जहां पे बी का बी बन रहा है अगर उसका मैं रेट क्या करूं, जीरो सेट कर दूं, यानी कि वो इसकी बात कर रहे हैं, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ये पूछना चाह रहे हैं, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी वो ये पूछना चाह रहे हैं, यानी कि इन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि ये देना चाह रहे हैं कि डीबी बाई डी टी भैया हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, तो आप बताओ बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, करें। चलो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के केस में मान लो रेट R1 मान लेती हूँ और इसमें R2 मान लेती हूँ तो क्या होगा, देख R1 क्या होगा, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू K1 है, बस मुझे ये बता दीजिए, बोलो। और R2 क्या होगा, माइनस डीबी बाई डी टी, क्योंकि R2 के लिए, क्योंकि सी बदल रहा है तो बी हमारे लिए डिसअपीयरेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, K2B। ध्यान से देखिए, तो डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अब तो तुम लिख लोगे, ये K1A माइनस K2B, सोचो सोचो सोचो, और डीबी बाई डी टी क्या है, ये जीरो बोला हुआ है इन्होंने, यानी कि K1A इज इक्वल टू K2B। अपने को क्या चाहिए, बी की कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, लिख रहा है क्या कोई, ये रहा बी आ जाएगा, K1 बाय K2 इंटू ए, ये आ जाएगा, देख रहे हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या पूछा हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान रख। यानी कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक ये टाइप का पढ़ लिया, एक क्वेश्चन है जो उस पे बेस्ड है के ई फैक्टर पे, वो जब आप PYQ करेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, एक इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, तो ये तीन टाइप के सवालों के लिए आपको रेडी रहना है पेपर में। एक टाइप का सवाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइप 1, टाइप 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा टाइप 3, ठीक है जी, ठीक है, जल्दी से थम्स अप दो सो दैट हम आगे फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा करोगे, ये वाला कर लो, आपको बताना था 2023 में आया था ये, आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होंगी। अब देखो ये पूरे चैप्टर से है क्वेश्चन, इसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है ये, अब जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, 8 लेक्चर लगा दिया अपने इस चैप्टर में, तो जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है।
आ रहा है कुछ समझ में? देखो क्या लग रहा है, पहली स्टेटमेंट देखो सही बोल रहा है क्या वो, कि सक्सेसिव हाफ लाइफ जो है जीरो होल्डर के लिए वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है क्या ये बात? हाफ लाइफ के लिए मुझे ये बताओ, जीरो होल्डर के लिए हाफ लाइफ क्या थी मेरा बेटा? ए नॉट बाय टू के, याद है ठीक है, चलो ए नॉट बाय टू के, ठीक है। तो अब क्या होगा, टाइम के साथ सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिक्रीज ही होगा, सही तो बोल रहा है, मान लो यस मैम, यस मैम, हाफ लाइफ लोगे तो वो क्या हो जाएगा, टू की पावर टू हो जाएगा, फिर आगे जाओगे इस तरीके से होता जाएगा, डिक्रीज हो रहा है बेसिकली टाइम के साथ, ठीक है। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ना? यस मैम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। A substance appearing as a reactant in the chemical equation may not affect the rate of reaction. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई आपका reactant है जो chemical equation में appear हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो rate of reaction को affect ना करे? It means second option is saying, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका rate reactant की concentration पे depend ना करे? ऐसा हो सकता है? False. हो सकता, मतलब करेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड, मेन नोट पूछा है, मेन नोट शायद उसने बोला है, शायद ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचो कहां हो सकता है, जीरो ऑर्डर में नहीं हो सकता? यस मैम, जीरो ऑर्डर में यही तो कहता है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है, ए पे डिपेंड ही नहीं करता। इट मींस सेकंड जो कॉन्सेप्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, बी स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, क्योंकि उसने बोला मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ जीरो ऑर्डर के केस में है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है, मतलब ऊपर वाली करेक्ट, नीचे वाली करेक्ट। सी ऑप्शन देखो करेक्ट बोल रहा है क्या, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर, इज इट ट्रू और नो? फॉल्स। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे आइए, द रेट कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर, देखो भाई यूनिट ठीक लिखी हुई है क्या उन्होंने? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो जीरो ऑर्डर के केस में तो यही होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड ऑर्डर के केस में एन टू ले लो तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि एक ही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आना था मेरा बेटा, वन आना। हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा क्या? यस मैम। ओके वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा जूम कर लो, मेरे को खुद ही फोन से इतना छोटा दिखाई दे रहा है, अब जूम कर लो। क्या पूछ रहा है, कैटलिस्ट से सवाल है, बाय द वे तुम्हारा केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा आया हुआ है टेस्ट में, पहले नंबर पे तुम्हारा केमिस्ट्री में अच्छा आया हुआ है स्कोर, फिर तुम्हारा मैथ्स में आया हुआ है, सबसे लास्ट में फिजिक्स। यही ऑर्डर भी था क्या, डिफिकल्टी ऑर्डर यही था क्या टेस्ट का है? यस मैं देख रही थी आज तुम्हारे स्कोर, तो केमिस्ट्री में काफी अच्छा किया हुआ है, 70-70 नंबर भी आए हुए तुम, 70-60 मेडिकल कम आए थे ना केमिस्ट्री में, मैंने पेपर नहीं देखा एक्चुअली तुम लोगों का, देखूंगी आज रात को बैठ के। अच्छा नहीं आए थे ज्यादा, अच्छा न्यूमेरिकल्स नहीं थे इतने, अच्छा तो न्यूमेरिकल्स की सारी भड़क होती है तुम लोगों को। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल्स की कम प्रैक्टिस है ना लास्ट ईयर, समझ रही हूँ, इस साल तो मैम ने पेल लिया अपना है, मैंने तो शायद कराई न्यूमेरिकल की ही होंगी प्रैक्टिस, तो करनी है अपने को, करनी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थ्योरेटिकल वाले पे भी ध्यान दो एंड न्यूमेरिकल पे भी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है, पढ़ो पढ़ो इसको, मैं भी पढ़ लेती हूँ।
देख लेना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो मेरे को जो जो समझ में आया ना मैंने वो लिख लिया है अलग से, तुम्हें भी ऐसे ही करना होता है पेपर में। देखो ये वाली चीजें गिवन है, देख पा रहे हो क्या? डेल्टा एच है 20 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है फॉरवर्ड की अनकैटलाइज्ड के लिए, ठीक है मैम? आपको दिया क्या हुआ है ये गिवन है कि कैटलाइज फॉरवर्ड के लिए रेट सेम है, मतलब रेट कॉन्स्टेंट भी बराबर होगा, और आपको ये निकालना है बैकवर्ड कैटलाइज के लिए। तो एक काम करें इसको यूज करें, फिर क्या हो जाएगा? ए ई रेस टू द पावर माइनस इसी फॉरवर्ड बाय आर टी, देखो एक बार किसके बराबर है, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई यू एफ बाय आर टी। देखो जी टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंट है ना, टेम्परेचर डिफरेंट है। तो ए से ए तो गया, तो ई सी एफ बाय आर, टेम्परेचर बताओ भाई कितना है कैटलाइज फॉरवर्ड के केस में, कितना है, कितना है, बोलो बोलो। 300। इसमें बताओ मेरे को इसमें कितना है, 300 दिया करो मेरे लिए, ठीक है? आर से आर गया, ठीक है। तो कैटलाइज फॉरवर्ड के लिए कितनी दी हुई है, दी हुई है क्या? ओके रेट दिया हुआ था, ओके ओके ओके। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है अनकैटलाइज फॉरवर्ड के लिए, यानी कि ये दी हुई है 300। यस मैम, ठीक है। कैटलाइज के लिए अपने को निकालनी है, बताना कितना आ गया मैम? ये 150 ना, ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 150 आ रही है क्या? यस मैम 150 आ रही है। ठीक है 150 आ रही है, वो ना इतनी पास से दिखता है ना तो इल्यूजन हो जाता है, ठीक है 150 आ गई, यानी कि एक काम हो गया। निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड के लिए है कैटलाइज्ड बैकवर्ड। तो डेल्टा एच क्या होता है मेरा बेटा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, बोलो हाँ के ना। फॉरवर्ड के लिए आ गई, बैकवर्ड के लिए एक्स मान लो, ये आपको दी हुई थी, तो कितनी आ गई, 130 आ गई। यस मैम 130। तो फिर डाल दो, फिर क्या दिक्कत है, लो ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, मुश्किल कुछ नहीं है, आएगा सब कुछ पढ़े पढ़ाए में से, बस तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच करना सीखना है, ठीक है? ओके एक ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई, देखो भाई सोचो सोचो सोचो। हाँ चलो सात करते हैं, ए बताओ ठीक है गलत है स्टेटमेंट, कृष कृष्णा निहारिका दिव्यांश स्मीन बताइए ठीक है गलत है, आयुष गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, काहे गलत है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, तो मतलब ये तो इनकरेक्ट है, चलो गोली मारो इसको, आगे बढ़ो, चेक करो क्या हाफ लाइफ 500 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? 500 तो नहीं आएगा, नो मैम 500 तो कतई ना आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। आगे चेक करो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कम्प्लीशन इज 25 टाइम्स का टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कम्प्लीशन, ये निकाल के देखो।
निकाल लोगे क्या? निकालना 10% क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लोग, मान लेते 100% था स्टार्टिंग में, 10 कंप्लीट हो गया, बचेगा कितना 90। ऐसे ही टी 90% क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लोग, 100 था 90 कंप्लीट, तो बचा कितना 10, तो ये लोग 10 बचा। नहीं ये भी नहीं आएगा भाई, 25 टाइम तो नहीं आएगा ये भी, क्या लगता आएगा क्या, सोचना, कोई सोच रहा है क्या? मैं ही सोच रही हूँ। हाँ जी नहीं आ रहा है पक्का, कहीं आ रहा हो, लोग 10 माइनस लोग 9 निकालने आता है ना, लोग 10 माइनस लोग 9, लोग 10 तो हो जाएगा 1 और लोग 9 को आप लिख सकते हो लोग 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 लोग 3, यानी कि 2 इंटू, उसने वैल्यू भी दी हुई है 0.48। नहीं ये नहीं आएगा, 25 टाइम्स तो नहीं आएगा, ना 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 नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो ये भी फिर इनकरेक्ट हो गया, ये वाला देखो ये ठीक है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो ठीक लग रहा है मेरे को, है ना, ये तो अपन ने डायरेक्ट याद किया था, दिस इज करेक्ट। ई वाला देखो, यस मैम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में? बोलो और बोलो, आयुष के अलावा और सोचो, कृष्णा कृष होती है क्या, लवण्या रिजुल आर्यन बताओ भैया, अनिरुद्ध जी ओन कार्तिक सुजल, एक एक को अभी चाटा लगने वाला अगर नहीं बताया तुमने ये मेरे को, ई वाला पार्ट की रेट यार, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है क्या? नो मैम। तो अभी वर्चुअली लग जाता तुम लोगों को आज चाटा, वो सिर्फ जीरो ऑर्डर के केस में होता है ना, और जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, बाकी किसी में भी नहीं होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट सिर्फ एक हुई, इतनी मगजमारी की और एक ही स्टेटमेंट सही थी, लो बताओ भाई, ठीक है। तो ये आपका डी वाला करेक्ट होगा, तो एक करेक्ट थी, ठीक है, ओके। ये एक क्वेश्चन बच्चा है, कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ खुद थोड़ा सा मत्था मारो इस पे, ठीक है। आज ये चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है, अब मैं तुम्हें PYQs भेजूंगी ग्रुप के अंदर, आज करना स्टार्ट कर देना, कैसे क्यों, आज का दिन है ना, क्योंकि इस संडे तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, एंड मैं सबका चाहती हूँ कि सबके सब 60 प्लस स्कोर करो इसमें, समझ रहे हो, तो उसके लिए लग जाओ, मेहनत करने लग जाओ, आज तुम्हारे ग्रुप में PYQs भेजूंगी, उसको करना स्टार्ट कर दो, आज तो शायद नहीं करोगे, नहीं अभी तो टाइम है, आज कर लेना कुछ क्वेश्चन 10-15 कर लेना, कल का दिन है, वेंसडे का भी दिन है, क्योंकि वेंसडे को भी मैं PYQs लूंगी, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, समझ रहे हो क्या, नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम, एंड